नवाज शरीफ ने इमरान खान को बड़ी ऑफर करा दी। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर का तहलका खेज इंकशाफ। साबिर शाकिर का कहना था कि जब से इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने वाला कार्ड खेला है, हुकूमती इत्तेहाद को जान के लाले पड़ गए हैं। जब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान को ना अहल करने की धमकियों ने भी काम नहीं किया तो कप्तान के मुखालिफीन को अपनी हिकमत अमली तब्दील करना पड़ी। मारूफ रिपोर्टर और तजियाकार ने दावा किया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब मरकजी प्लेयर थे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इसमें कोई हाथ नहीं था। पीडीएम को टास्क मिला था कि न सिर्फ इमरान खान बल्कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी इस सारे सिस्टम से आउट करना है। साबिर शाकिर ने मजीद कहा कि सारी गेम का पता चलने के बाद नवाज शरीफ ने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया है कि सारे मामलात आपस में तय कर लेते हैं। इमरान खान की हालिया तकरीर के बावजूद इसहाक डार की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, मुख्तलिफ ऑफर्स और पैगाम रसानी इस बात का सबूत है कि बड़े मियाँ साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुजाकरात में काफी संजीदा है, जबकि दोनों मुखालिफिन के दरमियान स्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर करने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक भी हो चुका है।